नमस्कार, मैं तेज प्रताप। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के डाकबंगला चौराहे से विशाल के सामने नृत्य कला मंदिर में, और इस नृत्य कला मंदिर में प्राइड थ्रेड बिहार फर्स्ट प्राइड एग्जीबिशन लगाया गया है। इस एग्जीबिशन में एक छोटा सा बच्चा आया है जो कि जिसकी उम्र मात्र 7 साल है। यह 7 साल की उम्र में ऐसी ऐसी तस्वीरें निकालता है जो बड़े बड़े फोटोग्राफरों के लिए बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि 7 साल की उम्र में कैमरा की बारीकियों को जानना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। तो क्या कुछ है और क्या कुछ कहना है इस छोटे से बच्चे का, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ। छोटा सा बच्चा है जो अपने हाथों से पेंटिंग बना रहा है, और इसकी उम्र कहें तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 5 से 6 सालों का यह बच्चा होगा। अभी से कला के प्रति इतना इसका लगाव है कि अब देखिए बिल्कुल अपने हाथों से बना रहा है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनका नाम क्या है और क्या उद्देश्य है। बाबू, आपका नाम क्या है? माय नेम इज प्रभात रंजन। प्रभात रंजन, तो आप क्या बना रहे हैं अभी? अभी तो अल्टिमेट प्राइम बना रहे, जो आप लोग देखते होंगे, ट्रांसफॉर्मर शो आउट इन द स्काइज। ट्रांसफॉर्मर शो, तो क्या आप इसको बनाते हैं? और ये आपकी आप ही की पेंटिंग है पीछे? पेंटिंग फोटोग्राफी मेरी। फोटोग्राफी आपकी है? टोटल टोटल। अभी उम्र क्या होगी? अभी अभी तो 7 साल हो रही है। 7 साल, अभी से फोटोग्राफी में इतने शौक? हाँ। क्या क्या मतलब क्या है आपको फोटोग्राफी करना, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत पहले की याद दिलाती है। अच्छा, पुरानी तस्वीरों को हम सहेज कर अपने पुरानी दिनों को याद कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बेहतरीन तस्वीर ये निकाल रहे हैं, जो बड़े बड़े अभी जो कहा जाता है पटना के फेमस फोटोग्राफर जो हैं, मैं नाम की निकाल नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं जो बहुत फेमस हैं, उनके द्वारा इस तरह की तस्वीर नहीं खींची जाती। इसके बावजूद ये देखिए किस तरह से ये तस्वीर खींच रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तस्वीर है। देखिए आप देख सकते हैं पीछे ये जो तस्वीरें हैं, अभी इतनी छोटी सी उम्र, इस उम्र में आकर इतनी बेहतरीन तस्वीर खींचना, जिसके लोग अभी तक शटर इस उम्र में लोग शटर स्पीड क्या होता है, वो बैकग्राउंड क्या होता है, पोर्ट्रेट फोटो क्या होता है, ये नहीं जान पाते हैं। इसके बावजूद ये इस छोटी सी उम्र में जाकर इतनी बेहतरीन तस्वीर खींच रहे हैं, आने वाला भविष्य इनका और भी उज्जवल लगता है। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।